हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जैद और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर दैट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द अपलाइड हिस्ट्री इन विच वी हैव लर्न अबाउट द पब्लिक हिस्ट्री एंड वी हैव ऑल्सो केम टू नो दैट हाउ द हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड हिस्ट्री इज नॉट ओनली द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर लाइफ एवरी वन कैन गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज़ शुरू थ्रू हिस्ट्री सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स फोर चैप्टर तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वॉट इज़ आर्ट भाई आर्ट क्या होता है सो इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंगट ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जिसके हिसाब से मतलब कि इंसान का ये आदत है जिससे वो अपना एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज अपना इमोशन शेयर करना चाहता है और जब वो इंस्टिंक्ट एक ब्यूटीफुल क्रिएशन में रिजल्ट हो जाता है मतलब इंस्टिंक्ट मतलब उसकी सोच तो उसकी सोच जब एक ब्यूटीफुल क्रिएशन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट जैसे मेरे दिमाग में अभी कोई बढ़िया सा आइडिया आया और मैंने उसे पिक्चर पे उतार दिया जैसे समझ लीजिए मैंने कोई बढ़िया सी स्टोरी बनाई और फिर उसको उतार दिया तो जो मेरी इंस्टिंक्ट थी उसको मैंने एक ब्यूटीफुल क्रिएशन में कन्वर्ट कर दिया सो इट वुड बी नोन एज़ आर्ट द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन सेंसिबिलिटी स्टेट ऑफ इमोशन एंड हीज स्किल्स ये चार चीज़ें जो हैं वो क्रूशियल फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती हैं कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन के बेस पे अब दो टाइप के आर्ट होती हैं एक विजुअल आर्ट होता है और एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है अगर हम लोग विजुअल आर्ट को संस्कृत टर्म में पढ़ें तो उसे हम लोग बोलेंगे ललित कला सॉरी दृग कला विजुअल आर्ट को संस्कृत में बोलेंगे दृक कला एंड परफॉर्मिंग आर्ट इज़ नोन एज ललित और अंगिक कला इन संस्कृत और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के जो कि आजकल डिस्कवर किए जा चुके हैं मतलब पहले के ज़माने में जो लोग रॉक्स पर पेंटिंग बना दिया करते थे स्क्रैच कर दिया करते थे कार्विंग कर दिया करते थे तो वो सब आजकल डिस्कवर किए जा चुके हैं इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट इज़ एज़ ओल्ड एज द मैन जो विजुअल आर्ट का ओरिजिन है जहाँ से उसका बर्थ हुआ वो उतना ही पुराना है जितना कि स्टोनेज मैन पुराना था और अब इसके डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आर्ट जो ट्रेडिशन है आर्ट के वो वो उसके भी दो टाइप हैं वो है फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट फोक आर्ट इज़ अ ट्रेडिशन दैट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम हिस्ट्री के पहले से ही फोक आर्ट का ट्रेडिशन कंटिन्यू रहा है फोक आर्ट मतलब कि जो लोक कला होती है द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग हैंड्स इट्स एक्सप्रेशन इज इस्पॉन्टेनियस इस्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्टेज विथ विदाउट डायलॉग मतलब कि जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो एकदम स्पॉन्टेनियस होता है तो इसका जो मतलब कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑन द स्पॉट दिया जाता है इस्पॉन्टेनियस होता है और फोक आर्ट इज़ अ क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप कोई भी ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे किसी भी सोसाइटी के वो लोग कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फोक आर्ट को क्रिएट करते हैं क्लासिकल आर्ट जो होता है वो कंसिस्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है दोनों में यही फ़र्क होता है कि क्लासिकल आर्ट में आपको रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है बट इन फोक आर्ट यू कैन बी स्पॉन्टेनियस आप ऑन द स्पॉट जो समझ में आता है करो तो इस तरीके से दोनों आर्ट अलग अलग होता है लोक कला इज़ बेटर देन क्लासिकल आर्ट बिकॉज ये रूल्स के हिसाब से नहीं होता है तो लोगों का जो भी इच्छा रहता है वो अपनी इच्छाएँ आसानी से व्यक्त कर सकते हैं बट क्लासिकल आर्ट में कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं और क्लासिकल आर्ट में आपको मास्टर चाहिए मास्टर मतलब कि कोई भी एक्सपर्ट चाहिए जो आपको ट्रेनिंग दे कोई भी फॉर्म हो क्लासिकल आर्ट का उसमें आपको अगर ट्रेनिंग नहीं रहेगी सो यू विल बी अनेबल टू परफॉर्म दैट सो यू नीड ट्रेनिंग इन क्लासिकल आर्ट वैल यू आर यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन द फोक आर्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टाइल्स इन आर्ट आर्ट में कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं तो आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग मतलब कि आर्टिस्ट जो होते हैं उनका अलग अलग मेथड होता है अपना ही मेथड होता है काम करने का और उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट अगर स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट से अडॉप्ट कर लिया जाए सारे आर्टिस्ट उसी को स्टाइल को अडॉप्ट कर लें मतलब एक ही स्टाइल है और उसको जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं सब उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं सो इट वुड बी नोन एज आर्ट स्टाइल तो ऐसे ट्रेडिशन ऐसे ट्रेडिशन बन जाते हैं इवेंचुअली लोगों की ये ट्रेडिशन बन जाती है और इसलिए इसको बोलते हैं आर्ट स्टाइल बहुत सारे आर्ट स्टाइल आजकल हर कल्चर में देखे जाते हैं जो कि अलग पीरियड के अलग रीजन के एक करेक्टरिस्टिक हैं उनके फीचर्स हैं और ऐसे स्टाइल्स कर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आर्ट हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए अब यहाँ पे मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग आपको दिया गया है तो चलिए पढ़ते हैं मराठा पेंटिंग जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है आर्ट स्टाइल का इस स्टाइल को हम लोग मराठा पेंटिंग बोलते हैं और ये डेवलप हुई थी लेटर हाफ मतलब कि सेवेंटीन सेंचुरी के हाफ़ पीरियड गुजर जाने के बाद डेवलप हुई थी और इस स्टाइल में बहुत सारी कलर्ड पेंटिंग्स होती हैं जो कि म्यूरल्स और मिनिएचर्स किस तरह होती है म्यूरल्स मतलब आप किसी भी बड़ी चीज़ को एक छोटी सी चीज़ में उतार दो और मैन्यू स्क्रिप्ट होती हैं मतलब हैंड रिटन इस्क्रिप्ट होती हैं जो कि वहाँ पर यूज़ होती हैं तो आपका मिनिएचर्स मतलब कि जो स्मॉल मॉडल पेंटिंग होती है और मैनू स्क्रिप्ट मतलब मैंने बताया हैंड रिटन स्क्रिप्ट और जो भी म्यूरल्स होते हैं वो वॉल पेंटिंग्स होती हैं और ये मराठा में हम लोग देख सकते हैं ओल्ड वड़ाज़ में जहाँ पे वाई मीनावली और सतारा ये सब प्लेसेज हैं यहाँ पे हम लोग इन्हें देख सकते हैं मराठा स्टाइल जो था वो राजपूत और यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस था मतलब कि उनसे जुड़ा हुआ था उन्हीं के स्टाइल को हमेशा अडॉप्ट किया करता था पेंटिंग स्टाइल जो है वो हमें अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट मतलब उन्हें समझने में हेल्प करता है जैसे स्टाइल अटायर अटायर मतलब क्लोथिंग कैसी रहा करती थी उनके ट्रेडिशन उनके कस्टम्स कौन कौन से थे रूल्स कौन कौन से थे ये सब समझने में हमें मदद मिलती है जैसे किसी ने अगर पेंटिंग नहीं बनाई होती किसी भी सोल्जर और उसके पीछे आ, उसके आगे लीडर की तो हम लोग कैसे समझ पाते कि पहले ज़माने में भी एक लीडर हुआ करता था और उसके पीछे सोल्जर्स रहा करते थे ऐसे वॉर हुआ करता था सो so, दे बहुत ही ज़्यादा उन लोग हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हम लोग ये भी नहीं जान पाते कि पहले के लोग कितने बढ़िया बढ़िया कवच पहन के लड़ाई किया करते थे दैट इज़ अटायर्स उनका कस्टम क्या क्या था सो so, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं आर्ट से तो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल वी, आर्ट इंडियन ट्रेडिशन कैसा है विजुअल आर्ट के बारे में तो आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग ये जो दो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम्पल हैं विजुअल आर्ट के सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ट ऑफ पेंटिंग तो पेंटिंग हमेशा टू डायमेंशनल होती है मतलब टू डी होती हैं जैसे स्केचेस ऑफ और पेंटिंग्स ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल इन सभी का जो पेंटिंग हम लोग बनाएं ये सब टू डी होते हैं उनको किसी भी सरफेस पे किया जाता है जैसे रॉक हो गया वॉल हो गया पेपर हो गया कैनवास हो गया और अर्दन पॉट हो गया इन सभी पर हम इन्हें बनाते हैं और म्यूरल जो है बुद्ध का अजंता केव्स में वो एक फ़ाइनेस्ट एग्जाम्पल है आर्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब जो बुद्धिसत्व म्यूरल इनका बनाया गया था म्यूरल मैंने बताया वॉल पेंटिंग्स तो इनका जैसे वहाँ पे बनाया गया था वो एक फ़ाइनेस्ट बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल है और बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध अब फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग तो रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज़ रॉक पेंटिंग मतलब कि रॉक पर जो पेंटिंग बना दिया करते थे या फिर उसे काविंग कर दिया करते थे तो वो सब बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज में डिस्कवर हो चुकी हैं आज के टाइम पे इंडिया में रॉक पेंटिंग आपको दिखेगी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बिहार में उत्तराखंड में कर्नाटक में आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में रॉक पेंटिंग जो भिम्बेटका में बनाई गई थी केव्स में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसीलिए भीम्बेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रॉक पेंटिंग यूजली डिपेक्ट ह्यूमन एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स जो रॉक पेंटिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर हमें जोमेट्री के फिगर्स ह्यूमन हो गए एनिमल्स हो गए इन सभी को डिपिक्ट करती हैं दर्शाती हैं हाउ एवर द स्टाइल ऑफ़ रॉक पेंटिंग सेम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंजेस फ्राम स्टोनेज टू द बिगनिंग ऑफ़ एग्रीकल्चर बट जो इसका फॉर्म है इसका जो स्टाइल है रॉक पेंटिंग का वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे स्टोनेज से एग्रीकल्चर की तरफ इंसान बढ़ा तो चेंज हम लोग देख सकते हैं क्योंकि फ्लोरा और फोना की जो डिपिक्शन थी उसमें हम लोग ये चेंज देख सकते हैं और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेंग वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वेयर बी यूज ब्लैक रेड एंड वाइट कलर्स वेयर इज यूज इन द रॉक पेंटिंग रॉक पेंटिंग में ये तीन कलर्स यूज़ हुआ करते थे ब्लैक रेड एंड वाइट तो आपको अगर एग्जाम में एम सी क्यू में क्वेश्चन आ गया कि विच कलर इज नॉट यूज इन द रॉक पेंटिंग और आपको ये तीनों के साथ एक और नाम दे देगा मान लो ग्रीन दे दिया सो यू शूड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इसे हम लोग बोलते हैं ए चोटी मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों और ये कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं सो so, इसके लिए आपको पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ी रहनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड ऑल्सो द वे द एक्सप्लॉयटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज और रॉक पेंटिंग से हम लोग उनकी नॉलेज को समझ सकते हैं और उनकी सराउंडिंग कैसी थी वो समझ सकते हैं और उनके तरीक़े को भी समझ सकते हैं जैसे उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉय किया था बर्बाद किया था द ट्रेडिशन ऑफ़ फोक स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग क्लोजली रिसेम्बल द स्टाइल ऑफ़ रॉक पेंटिंग फोक स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग जो है वो ज़्यादातर स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग से ही रिजेंबल करती है मेल खाती है कस्टम्स जैसे बहुत सारे ट्रेडिशन है जैसे हाउस को डेकोरेट करना आ, मतलब हाउस के वॉल्स को और कोर्ट को इन सभी को डेकोरेट करना और बहुत सारे फिगर्स बना के सिम्बल्स बना के ये सभी हम लोगों को दर्शाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है उसके फिर स्टोरीज़ को नरेट करना और ये सभी से हमको मदद मिलती है रीजनल स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग को डेवलप करने में तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है वार्ली पेंटिंग है यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो शादी हो रही है यहाँ पे ये यह मंडप है आपका और यहाँ पे कुछ लोग सामान कलेक्ट करने आए हैं समुंदर के साइड यहाँ पे पानी कलेक्ट करने आए हैं ये कुछ पेड़ हैं यहाँ लोग नृत्य कर रहे हैं तो ये शादी वाला टाइम है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों इस पेंटिंग को वहाँ पे उतारा गया था कोई महान होगा जिसकी शादी हो रही होगी तो इसीलिए इसको पेंटिंग में उतार दिया गया था वो टाइम पर बट पेंटिंग बनाते समय उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर में चैम्पियन जैद और उनके कुछ स्टूडेंट्स जैसे लोग आएंगे जो इन चीज़ों को देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे सो ये सब थोड़े अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं ये सब जान के हमारा मन करता है कि हम थोड़ा और जानें हिस्ट्री के बारे में तो वही तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं यहाँ पे डांसिंग हो रही है लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं ये वारली पेंटिंग में पाया गया था जिसको चित्रकथी बोलते हैं महाराष्ट्र में और ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फोक स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग का जिब व सोम्या माशे द आर्टिस्ट इन थाने हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी पॉपुलर जो जिब व सोम्य माशे थे ये ये थाने डिस्ट्रिक्ट के थे महाराष्ट्र के इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वारली स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग को पॉपुलर बनाने में और इसीलिए उनको पद्मश्री से नवाजा गया था टू थाउजेंड में और प्लस इनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्डस भी मिले हैं और जो चित्रकथी का ट्रेडिशन है वो एक चालुक्य किंग सोमेश्वर ने ट्वेल्थ सेंचुरी बुक में लिखा था तो माना सोलास जो एक बुक थी उनकी उसमें इन्होंने चित्रकथी के बारे में लिखा था इसका मतलब जो चित्रकथी ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है एंटिक है और द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज और जो चित्रकथी ट्रेडिशन है इसमें क्या करते हैं हम लोग रामायण या फिर महाभारत में कोई भी स्टोरीज़ को उठाते हैं और फिर उनको वुडन पेपर पपेट्स और पेंटिंग से एक्सप्लेन करते हैं मतलब रामायण तो वैसे बहुत बड़ा है बट उसमें से कोई एक स्टोरी हम लोग उठा देते हैं नाटक दस बीस मिनट का और फिर उसको हम लोग नरेट कर देते हैं पेपर्स से इसमें हम लोग पेपर्स लेते हैं और पेपर्स में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं नेचुरल कलर से ड्राइंग बनाते हैं और फिर थर्टी टू फिफ्टी पिक्चर्स हम लोगों को लगती है ड्राइंग बनाने में और फिर उसके बाद एक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तो एक एक पेपर उठाते हैं आगे की सीन आते जाती है तो ये आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो बट यू हैव टू वेस्ट थर्टी टू फिफ्टी पेपर्स सो दीज पिक्चर्स आर प्रिजर्व इसीलिए इनको बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व किया जाता है और फिर जनरेशन टू जनरेशन पास कर दिया जाता है और गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है कि चित्रगति के जैसे बाकी जो ट्रेडिशंस है जो वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने के स्थान पे उन्हें बचाया जा सके क्योंकि फ्यूचर को भी तो मालूम रहना चाहिए कि हम लोग कितने स्टाइलिश पेंटिंग किया करते थे हमारे एंडसटर्स अब क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग तो द एनशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल्स एनशियट इंडियन टेक्स्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट को ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन किया है और ऑल टुगेदर चौसठ आर्ट है जो कि उन टेक्स्ट में मेंशन किया गया है आर्ट ऑफ पेंटिंग जो मेंशन की गई है उसको आलेख्यम या फिर आलेख्य विद्या की तरह मेंशन किया गया है इसको आलेख्य विद्या कहा गर, कहा जाता था और इसके छह इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसको हम लोग शदांगे बोलते हैं रूप भेदा जिसका मतलब डिफरेंट शेप और फॉर्म फिर प्रमणा मतलब कि प्रोपोर्शन डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज फिर भाव मतलब एक्सप्रेशन फिर आता है हम लोगों का लवण योजना मतलब एस्थेटिक्स और फिर उसके बाद आता है सदृशुत्य मतलब रिजम्बलेंस टू रियलिटी और फिर वर्णिका भंस मतलब कि कलर कंपोजिशन हंगामा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजन सेक्ट पुराना एंड वस्तुशास्त्र एक्स टेस्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन द टेक्स्ट कंटेक्सट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये सभी चीज़ें हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में सिखाती हैं अब मिनिएचर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि मैनू स्क्रिप्ट में यूज ही हुआ करती थी तो मैंने मिनिएचर्स आपको बताया कि लोगों का मॉडल हम लोग बना देते थे जो पेपर्स पे और मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि हैंड रिटन स्क्रिप्ट मिनिएचर पेंटिंग इन द अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल जो पहले की पेंटिंग्स रहा करती थी मिनिएचर्स की वो इन्फ्लुएंस मतलब कि पर्शियन स्टाइल से रिलेशन uh, दिखाया करती थी मतलब उन्हीं की स्टाइल को लगभग अपनाया करती थी जो 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 डिक्कन मिनीचर इस्टाइल है वो डेवलप हुआ था पेट्रोनेज डिक्कन सुल्तनत के सल्तनत के पेट्रोनेज में डेवलप हुआ था डिक्क्न मिनिएचर स्टाइल और जो अकबर का जब रीन था मुगल एम्प्रायर के टाइम पे तो जो मुगल मिनीचर स्टाइल था उसने इंडिया और पर्शियन का ब्लेंड बनाया मतलब मिक्सचर दोनों के स्टाइल को एक साथ करके अपना ही स्टाइल बनाया और एक नया स्टाइल डेवलप्ड हुआ था फिर आता है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग मतलब कि जो ब्रिटिश का स्टाइल था और मुगल मिनीचर का आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे सकते हो अकबर और अपनी महारानी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एन आर्ट स्कूल वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स ये एक स्कॉटिश मतलब कि स्कॉटलैंड के आर्टिस्ट थे जिनकी लीडरशिप में ये डेवलप हुआ था जेम्स वेल्स और ये सवाई माधवराव पेशवे के टाइम पे ये डेवलप हुआ था जो कि शनिवारवाड़ा में रहा करते थे पुणे में और उन्होंने एक पोर्ट्रेट भी बनाया था सवाई माधवराव और नाना फडनवीस का एक साथ गंगाराम तांबट एक मराठी आर्टिस्ट थे जिन्होंने वेल्स के साथ काम किया था और इसीलिए उन्हें एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे डिज़र्व करते हैं वो तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हैं आपके सवाई माधोराव और ये हैं आपका नाना फड़नवीस और गंगाराम तांबट यहाँ पे अपने गुरु के साथ बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी भी तस्वीर किस तरीके से बनाई है तो उन्होंने रॉक कट केव्स जो वेरुल और कारले पे हैं वहाँ पे ड्राॅइंग्स उन्होंने बनाई हैं जो रॉक कट केव्स से उनकी ड्राइंग वहाँ पे बनाई है और उनकी कुछ ड्राइंग्स को येल सेंटर ब्रिटिश के येल यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व किया जाता है मतलब इन्होंने जो रॉक कट केव्स की ड्राइंग बनाई थी वेरुल और कार्ले की उसको प्रिजर्व किया जाता है येल यूनिवर्सिटी में ब्राज़ील की एग्जैक्ट पोर्ट्रियल ऑफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एंड पेंटिंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन स्टाइल मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी सेम पेंटिंग लाना वो यूरोपियन स्टाइल का करेक्टरिस्टिक था और बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे ट्रेन हुए हैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में और इंडस्ट्री में जो कि डेवलप हुआ था 1857 सी ई में इसने बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड किए थे यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के और जो पेस्तों जी पेस्तोन जी बोमान जी थे ये एक एलुमनी एलुमनीए थे और स्कूल के इन्होंने रेप्लिका बनाई थी अजंता पेंटिंग की अजंता पेंटिंग की इन्होंने एक रेप्लिका बनाई थी अब बात करते हैं इस कल्चरल आर्ट की स्कल्पचर आर्ट मतलब कि ये थ्री डायमेंशनल होता है थ्री होता है जैसे आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है अशोक स्तंभ तो इसमें आपको तीन सर दिख रहे हैं बट चार होता है एक पीछे के साइड है सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज थ्री डी थर्ड डायमेंशनल होता है तो फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक और मेटल और क्ले इज़ यूज इस कल्पचर मतलब मूर्तियों को बनाने के लिए रॉक यूज करेंगे मेटल यूज करेंगे या मिट्टी यूज़ करेंगे रॉक स्कल्पचर जो होता है वो कार्विंग uh, करके बनाया जाता है मतलब कि रॉक को एक साइड से कार्व किया जाता है दूसरे साइड से फिर ऐसे ऐसे कार्विंग करके बनाया जाता है इवन कार्विंग करके आपको बड़ा सा मंदिर भी दिखेगा आगे वी विल टेक अ लुक एट दैट बट नाउ वी आर स्टडिंग दिस तो जैसे हम लोग बात करें तो कुछ मूर्तियाँ माउल्ड से भी बनाई जाती हैं सांचे से तो सांचे में रख कर के भी वो सब बनाई जाती हैं और कभी कभी डायरेक्टली भी बनाई जाती हैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट रहता है तो तो स्कल्पचर मतलब कि एक सिंगल रॉक को काव्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों एक सिंगल रॉक रॉक को काव करके बनाया गया था कैलाश टेम्पल जी हाँ दोस्तों एक सिंगल रॉक कोई भी अनइवेंट शेप का था उसको यहाँ से कार्व किया गया यहाँ से कार्व किया गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, से इस तरीके से कार्विंग कर करके अलग अलग जगह से निकाल निकाल करके पूरा का पूरा एक बना दिया गया कैलाश टेम्पल तो सोच सकते हैं दोस्तों कि एक रॉक और इतना बड़ा टेम्पल वाव आपके से बस एक ही बात निकलेगी वाव और यही तो कमाल है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर्स का और जो लॉयन कैपिटल है अशोकन पिलर का जो कि सारनाथ में पाया जाता है वो एक नेशनल एम्बलम है इंडिया का आप लोग जानते होंगे फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट जो फोक स्टाइल है स्कल्पचरल आर्ट का उसको अब लोग पढ़ते हैं अब तो स्कल्पचरल आर्ट इज़ ऑल्सो एज एंशंट एज आर्ट ऑफ पेंटिंग मतलब कि आर्ट ऑफ पेंटिंग जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी ये भी आर्ट है स्टोन एज के टाइम की है और जब इंसान ने पहली बार स्टोन से टूल बनाया था अपना वेपन बनाया था तो पहले के ज़माने में आप लोग जानते लोग भाला स्पियर बनाया करते थे सो दे यूज टू कार्व द स्ट्रॉक सो दैट दे कैन मेड सच अ वेपन तो ऐसा वेपन उन लोग बनाने के लिए कार्विंग किया करते थे और उसे नोकीला बनाया करते थे तो स्टोन टूल बनाने से ले कर आज के टाइम तक की वहीं से जहाँ पे स्टोन टूल उन्होंने बनाया वहीं पे शुरुआत हो गई थी इस कल्पचरल आर्ट की और जो कस्टम है क्ले इमेजेस को बनाने के लिए रिचुअल्स के लिए मतलब कि गॉड एंड गॉडसेस के लिए वो इंडिया में प्री है मतलब कि पहले से ही है और जो हरप्पन टाइम से से मतलब कि हरप्पन टाइम आप लोग सोच सकते हो थर्ड मिलेनियम बी सी से उस टाइम से आज तक और इंडिया में आज भी कुछ रीजन्स है जहाँ पर ये कंटिन्यू है जैसे बंगाल बिहार गुजरात राजस्थान एक्सेट्रा जैसे गणेश आइडियोल्स बनाते हैं मास्क ऑफ़ गौरी बनाते हैं बुल बुल फिगुरिन बनाते हैं ये सब डिफरेंट फेस्टिवल के लिए जैसे बैल पोला वीर गर्ल्स इन सभी के लिए हम लोग जो बनाते हैं ये सब वो सब वही है कार्विंग करके ही हम वो सब बनाते हैं डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बिन्स एक्सेट्रा ये सब एग्जाम्पल्स हैं फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट के अब फोक हो गया अब हम लोग क्लासिकल स्टाइल पढ़ेंगे तो जो हरापन सील्स है इस्टोन्स है और जो ब्रॉन्ज है ब्रॉन्ज स्टैट्यूज हैं तो ये सब स्टैच्यूज़ हम लोग को पाँच हज़ार साल पहले के बारे में इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बताती हैं इट इज़ सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ कार्विंग आउट स्टोन स्कल्चरल्स ऑफ लार्जर साइज बिगन इन द मॉडर्न पीरियड विद द अशोका पिलर अशोकन पिलर को जब बनाया गया था उसी टाइम से ये जो हम लोगों का ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ था जो सांची स्टूपा है अशोका टाइम पे उसे इरेक्ट किया गया था मतलब वो जितना जंग जीता करते थे उतने ज़्यादा पिलर्स बनवा दिया करते थे तो इसीलिए उसको भी बनाया गया था सांची स्टूपा को और हाउ एवर द स्कल्पचरल एम्बलिशमेंट ऑफ द स्टूपा आर सपोज टू बी लेटर एडिशन बट उसका जो ब्यूटीफुल स्कल्पचरल एम्ब्लिशमेंट है वो इस्टूपा का उसको हम लोग लेटर एडिशन में कंसिडर करते हैं और जो स्कल्पचरल बरहुत में है आर्ट टेस्टोमीज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट इन इंडिया जो बरहूत में मूर्तियाँ हैं वो सब बरहुत स्टूपा जो है वो टेस्टी मुनीस है मतलब कि इस्टार्टर्स हैं ओरिजिन हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है इंडिया में और उसको कंटिन्यूली डेवलपमेंट में की लाया है जो बुद्धिज़म है वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड इन मैनी कंट्रीज़ आउटसाइड इंडिया बुद्धिज़म तो इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेड था और द ट्रेडिशन ऑफ एरेक्टिंग बुद्धिस्ट इस्टूपा बिगन इन दोज कंट्रीज एज वेल इसीलिए बाकी सारी कंट्रीज में भी बुद्धिस्ट स्टूपा बनाने का ट्रेडिशन आज भी है और जो स्टूपा हम लोग को, को बोरोबदुर में है इंडोनेशिया के वो सबसे लार्जेस्ट स्टूपा है वर्ल्ड का और उसको एट्थ नाइन्थ सेंचुरी में बनाया गया था और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था नाइन्टीन नाइन्टी वन में बोरो स्टूपा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सो रिमेंबर दैट बोर स्टूपा इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट स्टूपा इन द वर्ल्ड याद रखें आप लोग अब इंडियन आइकोनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो जो गंदारा स्कूल ऑफ़ आर्ट था वो सेकंड सेंचुरी में आया सबसे पहली बार अफ़गानिस्तान में और उसके नज़दीकी रीजन्स में और उसके ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस थे गंदारा स्कूल ऑफ़ आर्ट का सिर्फ इतना दिया गया है आपको दो ही पॉइंट याद करना है पीछे क्वेश्चन है सो यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी से जो था जो कि कुशाना पीरियड का था उसमें हम लोगों ने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का राइज देखा उसका जो बढ़ाना था मतलब जैसे बड़ा हुआ मथुरा स्कूल ऑफ़ आर्ट वो हम लोगों ने कुशना पीरियड में देखा जो मथुरा स्कूल था उसके वजह से फाउंडेशन नींव बनी इंडियन आइकोनोग्राफी की आइकोनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरी थिंग अबाउट मेकिंग ऑफ इमेजस ऑफ गॉड्स एंड गॉडजस मतलब कि जो इंडियन आइकोनोग्राफी है वो इतनी बड़ी ब्रांच ऑफ़ नॉलेज है जिसमें सब कुछ आता है गॉड्स और गॉडज के बारे में कुश्ना किंग ने बहुत सारी इमेजेस बनवाई थी वेरियस डाइटीज़ ऑन देयर कॉइंस कॉइंस पर उन्होंने बनवाई थी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर्स द आइकोनोग्राफिक रूल्स वेयर फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कल्परल आर्ट वेयर सेट द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रोंज इमेज वॉट डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला किंग जो ब्रोंज इमेज को डेवलप करने का आर्ट था ये चोला किंग के पेट्रोनेज में डेवलप हुआ उसके राज में डेवलप हुआ नाइन्थ से थर्टीन सेंचुरी के बीच में जो ब्रोंज आइडल्स बनाए गए थे गॉड्स के और गॉडिसज के भगवान और पार्वती जी के मतलब शिव पार्वती नटराज लक्ष्मी विष्णु इन सभी के जो ब्रोंज आइडल्स बनाए गए थे वो सब उसी पीरियड में बनाए गए थे अब आर्किटेक्चर और इस्कल्पचर पढ़ते हैं देर आर अ नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया इंडिया की बात करें तो बहुत सारे रॉक कट केव्स हैं और जो ट्रेडिशन है रॉक कट केव्स को बनाने का वो इंडिया में शुरू हुआ था थर्ड सेंचुरी में टेक्निकली द इंटायर कंपोजिशन ऑफ अ रॉक कट केव रिप्रजेंट अ यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्परल आर्ट ये हम लोगों को रिप्रजेंट करता है एक यूनियन मतलब कि आर्किटेक्चर और इस्कल्चर दोनों को जो जोड़ के हम लोगों को शो करता है इट्स एंट्रेंस इंटीरियर्स विथ इट्स कार्व्ड कॉलम्स एंड इमेजेस आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट उसका जो एंट्रेंस बनाया जाता था जैसा आप लोग एंट्रेंस यहाँ पे देखें और यहाँ पे एंट्रेंस आप लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया जाता था जिसके कारण इसकी करेक्टरिस्टिक एकदम चेंज हो जाती थी और बहुत ही एक्सीलेंट स्पेसीमेंट बन जाया करता था एक्सीलेंट एग्जाम्पल पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड द सीलिंग हैव सर्वाइव्ड इन सम केव्स टिल टुडे जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वॉल्स और सीलिंग पे वो कुछ केव्स में आज भी सर्वाइव है मतलब आज भी वो हैं रॉक कट केव्स जो अजंता और वेरुल में थे महाराष्ट्र के उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन एट्टी में और बौरबदुर को कब डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन में टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया का जो था वो डेवलप हुआ था फोर्थ सेंचुरी में गुप्ता पीरियड के टाइम और जो टेम्पल बिल्ड हुआ करते थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे उनके पास सेंकटम सेंकटोरम उन्हें हम लोग बोला करते थे और एक वेरांडा रहा करता था चार कॉलम के साथ मतलब कि ज़्यादा बढ़िया से टेम्पल्स नहीं बनाए जाते थे बस उसमें चार वरांडे रहते थे मतलब एक पिलर एक पिलर ये हो गया आपका एक वरान्डा तो इसी तरीके से चार वरांडा रहा करते थे तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया का था उसने अपना पीक मतलब कि सबसे ऊँचाइयाँ चढ़ी एट्थ सेंचुरी में और इसी की वजह से ये आसानी से टेस्टिफाई किया गया कंपोजिशन ऑफ द कैलाश टेंपल ऑफ वेरुल मतलब कि उसको आसानी से पाया गया जो टेंपल था और बाय द मेडिवल पीरियड वेरियस स्टाइल ऑफ़ टेंपल आर्किटेक्चर है डेवलप्ड इन इंडिया और मेडिवल पीरियड के बाद से बहुत सारे स्टाइल्स भी डेवलप हुए हैं इंडिया में स्टाइल ऑफ़ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ़ टावर जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इंडिया का वो टावर मतलब जो शिखर किस तरीके से बना हुआ है उस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जैसा रहेगा वैसा इंडिया का रहता है नागर स्टाइल ऑफ़ नॉर्थ इंडिया एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ़ साउथ इंडिया ये सब इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं ये टो तो, दो प्रिंसिपल स्टाइल्स हैं इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से टावर बनाया गया है तो ये इंडिया की खास बातें रहा करती थी ऐसा स्टाइलिश टावर रहता था तो मतलब किसी इंडियन आर्किटेक्चर ने इसे बनाया है जो भूमिजा स्टाइल है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उसका क्लोज रिजम्बलेंस है नगरा स्टाइल से और भूमिजा स्टाइल्स में हम लोगों को मिनिएचर टावर्स दिखेंगे जो कि लाइन से अरेंज है स्मॉलर टावर स्मॉलर टावर हैं ये टॉप पे जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे टावर्स टॉप पे बनाए गए हैं तो बेस से ले कर टॉप तक ये हम लोग राइज इनका देख सकते हैं और अब हम लोग हेमाड़पंथी टेम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हेमाड़पंथी टेम्पल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे एकदम तो जो टेम्पल्स ट्वेल्थ थर्टीन सेंचुरीज़ में बनाए गए थे महाराष्ट्र में उन्हें हम लोग बोलते हैं हेमाडपंती टेम्पल्स हेमाडपंथी टेम्पल का जो बाहरी हिस्सा था उसको स्टार शेप में बनाया जाता था आप अभी डायग्राम देख सकते हैं तो और जो हेमाड़पंथी टेम्पल में स्टार शेप्ड प्लान जो रहा करता था उसमें जिकज्जैक्ट डिज़ाइन बनाई जाती थी जिसकी वजह से लाइट एंड शेडो का एक अल्टरनेटिंग इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता था हेमाड़पंथी टेम्पल का सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि जो वॉल्स थी उसमें सीमेंट नहीं लगाया जाता था उसमें हम लोग स्टोन्स को लॉक किया करते थे जैसा पजल होता है ना हम लोगों का ये हो गया एक साइड ये हो गया दूसरा साइड तो पजल में हम लोग कैसे दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं और फिर एक बढ़िया बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो उसी तरीके से इसमें हम लोग स्टोन्स को लॉक करते थे कोई मोटर कोई सीमेंट का यूज़ नहीं करते थे तो इसे हम लोग हेमाडपंथी टेम्पल बोलते हैं यही उसका खास फ़ीचर है इसके एग्ज़ाम्पल अम्बरेश्वर टेम्पल जो कि अम्बरनाथ में है मुंबई के पास गोंडेश्वर टेम्पल जो कि सिन्नर में है नासिक के पास औंधन अगनाथ टेम्पल जो कि हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेमाड़पंथी टेम्पल के तो हेमाड़पंथी टेम्पल बहुत सारे जगहों पर पाए जाते हैं इंडिया के गोंडेश्वर टेम्पल आपको दिया गया है सिन्नर में महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा पाया जाएगा आपको हेमाड़पंथी टेम्पल अब बात करते हैं मुस्लिम सल्तनत की जहाँ पे ताजमहल महल कतुब मीनार और बीजापुर के जो गोल गम्बज था वो कैसे बना उसकी बात करते हैं तो मेडिवल पीरियड जिसमें बहुत सारी सल्तनत ने इंडिया पर राज किया था तो उस टाइम पे बहुत सारे आर्ट थे जैसे पर्शियन सेंट्रल एशियन अरेबिक प्री इस्लामिक ये सभी एक साथ आए और इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर को बनाया ब्लेंड हुए मतलब मिक्स हुए और एक नया स्टाइल बन गया और इसकी वजह से बहुत सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी क्रिएट हुई जैसे कुतुब मीनार मेहरूली में जो है दिल्ली में और ताजमहल जो कि आगरा में है गोल गुम्बद जो कि बीज़ापुर में है कर्नाटक में ये सब वर्ल्ड फ़ेमस एग्जाम्पल हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर के इंडिया के और एक एक करके अब पढ़ते तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ट्वेल्थ सेंचुरी में इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ये कंप्लीट हुआ था थर्टीन सेंचुरी में अल्तमाश के टाइम पे कुतुब मीनार की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इवन सेवेंटी थ्री मीटर्स उसकी हाइट है दैट इज़ नियरेस्ट टू टू फोर्टी फिट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज़ इज़बिन डिक्लेर्ड एज अ वर्ल्ड हेरीटेज इसीलिए कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरीटेज भी डिक्लेयर कर दिया गया था और ताजमहल को किसने बनाया था शाहजहाँ ने बनाया था, था। मुमताज़ क्वीन मुमताज़ की मेमरी के मेमरी को याद रखने के लिए मतलब उनकी याद में ये ताजमहल उन्होंने बनवा दिया था तो उनका नाम मुमताज महल था तो मुँह मटा के ताज महल रख दिया इसका नाम तो ताजमहल को एक पैरामाउंट एग्जांपल देखा जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंडिया में और ये सातवें अजूबे में से एक है तो ये एक वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है इसीलिए इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को द्वारा अब जो गोल गम्बज है वो कर्नाटक में बिल्ट हुआ था सेवनटी सेंचुरी में बीज़ापुर में और इसमें क्या है जो मोहम्मद आदिल शाह थे बीजापुर के वो बहुत ही अच्छे इंसान थे इसमें उनकी कब्र बनी हुई है इस गोल गम्बज़ में और इस गोल गम्बज़ में अगर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक राउंड गैलरी है वहाँ पे आप थोड़ा सा अगर शो भी करोगे तो उसकी आवाज़ पूरा गूंजेगी और आपको हर जगह उसका ईको सुनाई देगा ईको के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जाना जाता है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज़ इन इंडिया इट इज़ नोन एज द इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल तो ब्रिटिश पीरियड में एक नया स्टाइल बना था जो कि बोले थे हम लोग इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल बिल्डिंग्स लाइक चर्चेज गवर्नमेंट ऑफिस रेजिडेंस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स रेलवे स्टेशन वेर बिल्ड इन दिस स्टाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश पीरियड के साइन टाइम पर सभी डेवलप हुए थे और उसका कुछ एग्जाम्पल है बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मुंबई में जो है ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंडो गोथिक आर्किटेक्चर का और इवन एक ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है सो यू कैन टेक अ लुक एट द छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर बना हुआ है ये तो इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक फाइनेस्ट बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट एग्जाम्पल है अब इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में आपका डांस आता है सिंगिंग आता है ये सब आता है तो ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट इसका ट्रेडिशन कैसा है इंडिया के पास बहुत सारे ट्रेडिशन है फोक सॉन्ग फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फोक डांस फोक थिएटर का जिसमें बहुत सारे रीजन्स ने करेक्टरिस्टिक करेक्टराइज़ किया है और देयर एक्सिस्ट मेनी रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन महाराष्ट्र ऑल्सो और ऐसा ही ट्रेडिशन महाराष्ट्र में भी एक्सिस्ट करता है तो टू तो नेम ने मू एज एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए वो एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं कोली डांस तड़ापा डांस दशावतरा ऑफ पोनकन पोवाड़ा कीर्तन जागरद गोंधल एक्सेट्रा तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं अब क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट क्लासिकल और फोक आर्ट में फ़र्क मैंने बताया था क्लासिकल मतलब कंसिस्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फोक आर्ट मतलब विदाउट रूल्स तो इंडिया के पास एक रिच हेरिटेज है क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट का जो कि टेक्स्ट नाट्य शास्त्र है नाट्य शास्त्र मतलब ड्रामा जो नाटक किया करते थे वो भरत मुनि ने लिखा था और ये बहुत ही इनको पहला इंसान कंसीडर किया जाता है जिन्होंने म्यूजिक और थिएटर के बारे में डिस्कस किया था इन्होंने नाइन मूड्स बनाए थे रास ब, रस बनाए थे आ, हम लोग बोलते ना नाइन आज मराठी में हम लोगों को रस टॉपिक भी है तो श्रृंगार जिसका मतलब लव हास्य मतलब ह्यूमर बीभत मतलब रिपल्शन रौद्र मतलब टेरिबल करुणा मतलब सैड और दया वीर मतलब हीरोइक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वीर भयानक मतलब डरावना फियरफुल अद्भुत मतलब कि कमाल का वंडरस और शांत मतलब चुपचाप पीसफुल तो इंडियन पीपल केम इनटू कांटेक्ट विद विथ कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर नेशन एंड दैट रिजल्टेड इनटू ब्लेंडिंग ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट एंड रीचिंग देम ओवर टाइम तो इंडियन पीपल ने बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशन के कांटेक्ट में आया जिसके कारण उनकी ब्लेंडिंग हुई मिक्सचर हुआ और एक नया फॉर्म जागृत हुआ एज अ रिजल्ट मेनी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस केम इन टू एक्सिस्टेंस और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इन सभी आर्ट को बचा कर रखते हैं देर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दो मेन ब्रांचेस है क्लासिकल म्यूजिक के एक हिंदुस्तानी म्यूजिक एक कर्नाटिक म्यूजिक ये दो मेन ब्रांचेस हैं और उसी की तरह दो इंपॉर्टेंट फॉर्म भी हैं एक क्लासिकल मतलब शास्त्रीय और एक सेमी क्लासिकल मतलब उप शास्त्रीय तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैं आजकल शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ लोग कहते हैं सो दे यूज टू स्टडी दीज और एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक वोकल इंस्ट्रोमेंटल और डांस इन तीनों को ब्लेंड करके एक ब्यूटीफुल ब्लेंड बनाया गया है और इंडियन क्लासिकल डांस में जैसे कि कत्थक जो नॉर्थ इंडिया का फेमस डांस है और ये बोर्ड में आ चुका है दोस्तों आपको डांस का नाम कहीं पे दिया था कहीं पे प्लेस पूछा था कहीं पे प्लेस बोला था डांस का फॉर्म का नाम पूछना था सो यू शुड रिमेम्बर दिस पहला कत्थक नॉर्थ इंडिया का लावनी महाराष्ट्र का उड़ीसा का ओडिसी भरतनाट्यम तमिलनाडु का कत्थक और मोहनितम केरला का सो दीज आर एग्ज़ाम्पल आप लोग लावनी देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र का और ये कथकली केरला का इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे फेस्टिवल्स हुए म्यूजिक इंडिया म्यूजिक और डांस के और ताकि कॉमन पीपल को एक्सेसिबल मतलब उनको सिखाया जा सके जैसे बहुत सारे लोग अभी भरतनाट्यम देखेंगे तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा डांस है ये कैसा डांस है मास्क लगा के करने बिकॉज दे डोंट नो अबाउट अवर ट्रेडिशन सो ये सब समझाने के लिए ऐसे डांसेस होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स और कहीं कहीं पे अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए होता है लोग अपने डांस से लोगों को मैसेज देते हैं कभी कभी तो मैनी पीपल अटेंड दिस फेस्टिवल इंक्लूडिंग इंडियंस एंड फॉरिनर्स अ लाइक भी कभी कभी इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट मतलब कि देखने के लिए आते हैं द सवाई गंधावरा फेस्टिवल ऑफ पुणे इज़ अ फेमस वन जो सवाई गंधावरा फेस्टिवल है पुणे का वो फेमस है सबसे ज़्यादा लेटली वी कैन सी एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ वेरियस म्यूजिक स्टाइल बाय ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज बाय ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ़ स्कूल मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो फ्यूज़न किया गया था म्यूजिक स्टाइल का उसमें जो लिमिटेशंस थे ट्रेडिशनल स्टाइल या स्कूल से जो लिमिटेशन इम्पोज किए गए थे उसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पंडित उदय शंकर इज़ अ प्रोमिनट नेम अमॉन्ग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल पंडित उदय उदय शंकर एक प्रोमिनेंट है मतलब कि प्रमुख नाम है इसमें जिन्होंने ऐसी स्टाइल को क्रिएट किया था उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा इन दोनों को फ्यूज़न कराया था मतलब फ्यूज़ किया था ब्लेंड किया था और इनके ब्लेंड से ही एक नया डांस फॉर्म इंक्लूड किया था ही ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक डांस इन हिज स्टाइल अपने स्टाइल में बहुत सारे टाइप के फोक डांस भी इन्होंने इंक्लूड किए इसके कारण जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट का स्कोप है जो उसका मतलब फील्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एक्सपांड होता जा रहा है और जो सेम फेनोमिना है अपर फील्ड का इंडियन विजुअल आर्ट में अब बात करते हैं अप्लाइड आर्ट आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो पढ़ते हैं तो आर्ट एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है आर्ट हिस्टोरियंस जो होते हैं वो फील्ड ऑफ जर्नलिज़म में वर्क कर सकते हैं और आप लोग जानते हैं कि आर्ट मार्केट एक इंडिपेंडेंट मार्केट है आ, कोई भी वहाँ पर आर्ट ऑब्जेक्ट आया तो उसको पता करना पड़ेगा कि भाई ये आर्ट ऑब्जेक्ट असली है या नहीं असली है तो इसकी कीमत क्या होगी तो ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट एक ही कर सकता है तो एक एक्सपर्ट जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग हो आर्ट हिस्ट्री की वो ये सब काम कर सकता है सो so उसको इसकी पगार भी मिलेगी तो इससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो गई अब हेरिटेज मैनेजमेंट करना है कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाना है तो ये सब भी आज फील्ड में डेवलप हो गए हैं और इसी के कारण जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के है, वो सब म्यूजियम्स आरक्यू मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंडोलॉजी ये सब फ़ील्ड में पार्ट ले सकते हैं अब अप्लाइड आर्ट की बात करते हैं विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो प्राइमरीली लुक्ड अपॉन एज द मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर पीपल लोग अप्लाइड आर्ट को तो इंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं बट इसमें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं और आर्टिस्टिक क्रिएशन विथ ए यूलिटरियन पर्पस मतलब जब उसको एप्लीकेशन किया जा सके उस पर्पस के लिए तो उसे हम लोग बोलते हैं अप्लाइड आर्ट तो इससे हम लोग किस तरीके से इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं तो इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट आर्ट तो है इसको इंटरटेनमेंट तो करना है बट इसका एडवर्टाइजमेंट भी तो ज़रूरी है वरना लोग देखेंगे कैसे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसे मिलते हैं अगर आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर सको बैक ड्रॉप्स आर्ट डिज़ाइन के अच्छे से बना सको आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविजन इसके लिए अट्रैक्टिव लैर्स बनाने के लिए बुक्स के मैगजीन्स के लिए कैलीग्राफ़ी करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड के लिए इनविटेशन कार्ड के लिए गिफ्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये सभी के लिए कोई ना कोई तो चाहिए और अगर इंसान चाहिए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है सो दिस इज़ हाउ द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जनरेटेड इन दिस फील्ड नाउ फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर फोटोग्राफी इन सभी में भी तो लोग चाहिए तो ये सब भी अप्लाइड आर्ट में आजकल आ चुके हैं आज के टाइम में एनिमेटेड ग्राफिक ग्राफिक्स भी बनाई जाती हैं कार्टून जो होते हैं आजकल बनाए जाते हैं तो यहाँ पे भी तो हमें कोई ना कोई चाहिए जो ये काम करे ऑर्नामेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल अर्दन पॉट विथ कलरफुल डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स अट्रेक्टिव टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा ऑल कैन बी लिस्टेड अंडर अप्लाइड आर्ट्स ये सब भी अप्लाइड आर्ट्स के अंदर आ सकते हैं तो इसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए तो जो ट्रेंड हैं और जो स्किल्ड है जिनके पास सभी स्किल्स हैं हर स्टेज की तो उन सभी की इसमें ज़रूरत होती है तो जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत है वहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ जॉब है वहाँ पैसा है तो इस तरीके से हिस्ट्री को भी अगर आप अपना सब्जेक्ट चुनते हो तो कोई बुरी बात नहीं है यू कैन इवन फाइंड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन अर्न अ गुड सैलरी इन दिस फील्ड एज वेल तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से हासिल कर सकते हो देर आर फ्यू इंस्टीट्यूशनस इन इंडिया विच ऑफर टेक्निकल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग इन द एबो मेन्शन फील्ड बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो इन सभी के चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग आपको देते हैं जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा था जैसे फोटोग्राफी कैलीग्राफी ये सब एमोंग देम इन सभी के बीच में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है अहमदाबाद में, में गुजरात में और ये वर्ल्ड रिनाउंडस्टीट्यूट है वर्ल्ड रिनाउंड दोस्तों मतलब कि पूरी दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए तो ये इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया गया था टू थाउजेंड फिफ्टीन से और इसी के तहत लोग काम करते हैं ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आगे जा के अपड आर्ट में काम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मास मीडिया एंड हिस्ट्री अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैंने काफ़ी समय ले लिया आपको काफ़ी लंबा खींच लिया है चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर भी था तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहे इसके लिए आप लोग सभी हेडिंग को टेक्स्ट बुक में इवन आप अपने जो नोट्स बनाए हो उसमें सभी हेडिंग को लिख लो और सभी हेडिंग को लिखने के बाद याद करो कि इस हेडिंग के बारे में मुझे क्या याद है सो दैट यू कैन मेमोराइज़ ईजिली तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही